नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधास कैलिनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं भरेली बैंगन, जो कि एक फेमस महाराष्ट्रीयन डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट चाहिए पहले उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये छोटे वाले बैंगन आते हैं वो लिए हैं, 10 बैंगन है ये छोटे वाले। धनिया पत्ती है। यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं, उसको चॉप कर लिया है। 2 प्याज है, उसको हमने फाइनली चॉप की है। 1/3 कप हमने यहाँ पर मूंगफली ली है। 3 चम्मच हमने यहाँ पर तिल लिया है सफेद वाला। 2 चम्मच हमने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है, आप इसकी जगह फ्रेश नारियल भी यूज कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, हींग, थोड़ा सा गुड़ यूज करेंगे इसमें हम, जैगरी, 4 से 5 के लहसुन की है, 1 इंच हमने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है और ये 1 हरी मिर्ची है और थोड़ा सा हमने यहाँ पर इमली का पल्प लिया है। सबसे पहले हम अपने बैंगन को कट करेंगे। बैंगन का जो ऊपर का हिस्सा है वो हम अलग कर देंगे। यहाँ पर हम बैंगन का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें एक कट लगाएंगे और फिर एक और कट लगाएंगे। इसको हम चेक कर लेंगे अंदर इसमें कोई कीड़ा ना हो, अच्छे से आप देख लें, साफ बैंगन है हमारा। अब दूसरा लेंगे, क्रॉस कट लगाना है हमें इसको, इसको भी चेक कर लेंगे। सभी बैंगन को हम ऐसे ही कट कर देंगे। यहाँ पर हमने सभी बैंगन को कट करके चेक कर लिया है। अब बैंगन को हम पानी में डिप कर देंगे जिससे कि अच्छे से अंदर से भी क्लीन हो जाए। थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे, बाई चांस इसमें कुछ इम्प्योरिटी या कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाएगा। वैसे हमने चेक किया सभी बैंगन को अच्छे से, इसको हम 10 से 15 मिनट की डिप करके ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम बैंगन के मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें 2 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी इसमें। यहाँ पर हमने ये जीरा लिया है और ये राई के दाने हैं, मस्टर्ड सीड। एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, इसमें हम मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसकी थोड़ी स्किन जो है वो अलग ना हो जाए। यहाँ पर हमने मूंगफली को 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट किया है, अब इसकी स्किन जो है अलग हो गई है। अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके छिलके जो है वो अलग करेंगे। यहाँ पर हमने मूंगफली की स्किन को अलग कर दिया है। अब हम उसी पैन में अपने जो तिल डालेंगे, 1 TSP में हम क्यूमिन सीड्स ऐड कर रहे हैं, उसको भूनेंगे थोड़ा सा और इसी में हम 9 का बुरादा ऐड कर देंगे, डेसिकेटेड कोकोनट। इसको हमें खाली 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसको भी हम मूंगफली के साथ ही निकाल देंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे और जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए। अब हमारा जो ये मिक्सचर था मूंगफली का, तिल का और नारियल का, इसको हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। इसमें लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे काट के, धनिया पत्ती ऐड करेंगे, इमली का पल्प ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा डालेंगे हम इसमें, बाकी हमें जब बैंगन बनाएंगे हम तब डालेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 TSP मिर्ची डाल रहे हैं, लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 TSP गरम मसाला पाउडर, 1 TBSP इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसको हम अब पीस कर इसका पेस्ट बनाएंगे। हमने इसको पीस कर अच्छे से इसको ग्राइंड कर दिया है। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें देखिए ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, थोड़ा दरदरा सा ही। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हमारा मसाला जो है अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे चॉप की हुई, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे हाथों से। ये भरेली बैंगन एक महाराष्ट्र की फेमस डिश है, वहाँ पर बहुत बनाई और खाई जाती है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये तैयार हो गया है हमारा मसाला। यहाँ पर हमारे बैंगन जो है अच्छे से वॉश कर लिया हमने, इसको पानी निकाल के इसका। अब इसको हम पाइस का एक्स्ट्रा जो निकाल देंगे। अब हम मसाले को बैंगन में फिल करेंगे, अच्छे से फिल कर दें आप इसको ऐसे। सारी बैंगन को हम ऐसे ही स्टफ कर लेंगे मसाले के साथ। यहाँ पर हमने सभी बैंगन को स्टफ कर दिया है मसाले के साथ अच्छे से। इस मसाले को हम अभी यूज करेंगे जब बैंगन बनाएंगे। इसको इस छोटी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। अब गैस पर हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने 3 TBSP ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम हींग ऐड करेंगे। यहाँ पर इसमें हमने 1 पिंच हींग डाला है। अब इसमें हम 1 TSP जीरा ऐड कर रहे हैं, 1 TSP मस्टर्ड सीड्स ऐड कर रहे हैं, तो क्रैकल होने देंगे। प्याज डालेंगे इसमें हल्की कसी हुई की। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है हमें, थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देंगे। अब इसमें हम जो हमारा मसाला था, जो बैंगन जब स्टफ किया था हमने, उसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, 1/2 TSP इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं,
हाफ टी स्पी लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पी गरम मसाला, 1 टी स्पी धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे। नमक के हिसाब से डालना है क्योंकि हमने स्टेशन में भी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए भूनेंगे हम इसको। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम सब गुड़ डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने इसमें 1 से 2 टीस्पून गुड़ ऐड कर दिया है। मसाले को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी दही ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ना डालें इससे, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। 1 से 2 टीस्पून दही ऐड कर रही हूँ इसमें मैं। और चलाते मिक्स करेंगे, टेस्ट में स्वाद भी आएगा और कलर भी इसका इनहेंस होगा। मसाले को अच्छे से रोस्ट कर दिए वहाँ पे 1 मिनट के लिए हमने। इस समय नमक और मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मिर्च ज़्यादा चाहिए तो आप इसे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 कप के करीब पानी ऐड कर रहे हैं, मिक्स करेंगे इसको। इसमें एक बॉयल आने देंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से बॉयल आ गया इसमें। अब इसमें हम अपने बैंगन ऐड कर देंगे, गैस की फ्लेम थोड़ी कम करेंगे। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे एक बार और हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। लो टू मीडियम हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम रखनी है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने बैंगन को चेक करेंगे, लगभग ये तैयार हो गए हैं। बस हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं। तो देखिए हमारे बैंगन बनकर तैयार हैं, अच्छे से टेंडर हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं हमारे बैंगन। गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे, अपने भरेले बैंगन को सर्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्विंग डिश ली है, उसमें हम पहले थोड़ी सी ग्रेवी ऐड करेंगे। आप इसको सिंपल राइस के साथ भी खा सकते हैं। अब इसमें हम अपने बैंगन ऐड करेंगे। थोड़ी ग्रेवी ऐड कर देंगे हम इसमें। अब हमने अपने बैंगन को सर्व कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल देंगे गार्निश के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। तो यहाँ पर हमारे भरेली बैंगन बनकर तैयार हैं। आप इसको रोटी के साथ और चावल के साथ एंजॉय कीजिए और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।